सर नमस्कार, मैं जूली मुझसे मारो मित्र प्यारो कंपनी से बात कर रही हूँ। मुझसे मारो कंपनी? जी सर, मुझसे मारो मित्र प्यारो, क्या आपके घर में भी मुझसे हैं? बिल्कुल है जी, पर जी एक का मुसा है और जी घना बारिया है, तो जीना आराम कर रखा हमारा ससुरे ने। नो प्रॉब्लम सर, हमारी दवाई छोटे से लेकर बड़े मूसों तक सभी पर काम करती है। मैडम जी, एक क्विंटल का सर। हाँ? क्या एक क्विंटल? हाँ जी एक क्विंटल। घर में कुछ भी दिख जाए ना, उसने बशड़ 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 खा जाए है और फिर गशड़ 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 काट दे है जी। मैडम जी, अपने छोरे की बात करूं हूँ, सह कोई लाजी जानवर का। ओहो सर, आई एम सो सॉरी, हमारे पास इंसानों की दवाई नहीं है। अगर आपके घर में कोई मूसे या कीड़े हो तो बताओ। अरे मैडम जी, मूसे तो जब पावेंगे ना, जब यो हमारा छोरा कुछ खान का छोड़ता हो, सब कुछ तो लपेट दे है ससुरा। मूसे के घर हमारे घर आ गए बेचारे, भूखे मर जाते। हेलो जी, नमस्कार, मैं जूली। गूली? नहीं थाई जी, जूली। ओ अच्छा, जूली मननु सोची गूली। ए मगा बेटी ले, मॉडर्न जमाना हो रहा है, कदे दर्दिया हो गूली नाम। इट्स ओके थाई जी, मैं मुसे मारो मित्र प्यारो कंपनी से बात कर रही हूँ, क्या आप भी मुसे कॉकरोच से परेशान हैं? ना ना बेटी, मारे घर के तो कॉकरोच मुझे इतने श्याणे कर रखे समन। घर में जब एंट्री भी लेवेंगे ना, तो बाहर खड़े होकर न्यू कहेंगे मैं कमीन ताई जी, फिर मैं न्यू कहूंगी कमीन कमीन। अच्छा ताई जी। और बेटी, अरे गर्मिया मत है ना राबड़ी प्याप्या का, इसे ठाडे गवरू जवान कर दूंगी ना। अब गामर रुका पड़ जाएगा, अब मुझसे तो देखे ताई हर के घर के मुझा तो तड़ा तड़ा। ठीक है ताई जी। अरे यार, यहाँ पे भी बात नहीं बनी, आज दिन ही खराब है मेरा। पर बेटी, तेरी दवाई मैं बिकवा सकूं, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त ताई जी, बोलिए। तना हमारे पोते की नौकरी लगवानी पड़ेगी अपनी कंपनी में। नहीं ताई जी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ये हो क्यों ना पावेगा, आईटीआई कर रहा सा मेरा पोता। तू मेरे पोते ने एक बार नौकरी लगवा कर देख, फिर तेरे मुझे मारने का धंधा ईसा चलवा दूंगी। जी के भी घर में दवाई बेचनी होगी ना, उनके घर में जाकर पहला और डोड़ मोटे मोटे मुझसे छोड़े आएंगे और अगले दिन उनके घर दवाई लेकर पहुंच जाएंगे। प्लान तो अच्छा है ताई जी, लेकिन ए लेकिन लुकिन छोड़ तू, तुम्हारे पोते ने लवा अपनी कंपनी में और मैं करूँ सो अपने गांव के मुझसे कट्ठे। बस तू एक बार बता दिए फलाने के घर दवाई बेचनी से, अगले दिन उनके घर मुझसे मुझसे कर देंगे। अगले दिन सोचेंगे कि वो घर से कलवाई की दुकान है। ठीक से बेटी गुल्ली, ओ आई मीन जुल्ली। अरे यार, मैं तो कॉल कर करके परेशान हो चुकी हूँ, कोई भी दवाई लेने को तैयार नहीं है। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, तू इतनी टेंशन मत ले। हाँ यार, इतनी क्या टेंशन लेनी, मैं तो बिनेमो ऐप पे ट्रेडिंग कर रही हूँ। बिनेमो ये क्या है? अरे बिनेमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है, यहाँ पर बड़ी कंपनी जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है और इसमें इनके स्टॉक का अनुमान लगाना होता है और समय के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अच्छा। हाँ देख, मैं तुझे इसे यूज करके दिखाती हूँ। अब जैसे मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मैंने 700 रुपए का फोरकास्ट अप पे कर दिया। देखा, मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला। अरे बहुत बढ़िया, ये तो मैं भी घर पर जाके ट्रेडिंग करना सीखूंगा। हाँ, पैसे को हम 24 घंटे के अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ भी कर सकते हैं और इसका मिनिमम डिपॉजिट है 350 रुपीज। और हाँ गाइस, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से बिनेमो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको अपने डेमो अकाउंट में मिलेंगे 65,000 रुपीज, जिससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज शाम को जाके मैं बिनेमो पर ट्रेडिंग करूंगा। हाँ तू कर ले ट्रेडिंग, मैं अपनी कॉल करना शुरू करती हूँ। अरे करिए, एक बार टीवी की आवाज मंदी करेगी, मैं कहीं लोन आ रहा ना देखूंगा आज। अरे मैडम, आपका समझ में ना आती कि हमने नहीं चाहिए लोन, हमने नहीं चाहिए लोन, हमने नहीं चाहिए लोन। तुमने मेरा लठ दे रखा है, ईव की बार क्वेश्चन थारे ऑफिस में तो मेरे पास फोन कर दिया ना, साड़ा ना उड़े आकर बच्चा बटकी बच्चा बटकी लूंगा। अरे अरे सर, मैं बैंक से नहीं, मुझसे मारो मित्र प्यारो कंपनी से बात कर रही हूँ। ओहो, गलती होगी मैडम जी, गलती होगी, मन्ना नू सोचिए साड़े बैंक काड़े हैं। कोई बात नहीं सर, सर हमारी कंपनी ऐसी दवाइयाँ देती है जिससे आपका घर मूसों से मुक्त हो जाएगा, क्या आपके घर में भी मूसे हैं?
ओहो मैडम जी, इस दवाई की तो हमने सख्त जरूरत थी। मैडम जी मारे घर के मुशे तो इतने चालू है शाले, जब मैं शाम को पैग लगाता हूँ ना, मेरा सारा चकना चट कर जाते हैं। और अगर मैडम जी ये परंपरा ऐसे ही चलती रही ना, कुछ दिन में ये पैग भी लगाने लग जाएंगे बड़ी चोद के। डोंट वरी सर, आपके इस चकनाचूर मुसे को तो हम बड़ी आसानी से चकनाचूर कर देंगे। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मैडम जी, वैसे आप मुझसे मारता होएगे हमारे घर, एक काम करियो, हमारी बहस का है ना चिचड़ हो रहे हैं, वे भी तोड़ दियो। और बाय द वे मैडम, आप ये चिचड़ तोड़ने का कितना चार्ज लेते हो? सर हम चिचड़ नहीं तोड़ते हैं। अरे मैडम जी, 100-150 रुपए अपना फालतू ले लियो। हम जी बहुत दुखी हो रहे हैं चिचड़ा ते गेर मत, एक चिचड़ तेरी आंटी की सलवार का लटका आ गया और रात को सोते समय बेटा मेरे पजामे में घुस गया। मैं न्यू नहीं बोलिया, मगर ले तेरी आंटी मोटर गश्ती कर रहा है। वो तो बेटा जब मैं सुबह उठा ना, मैंने तो देखा मेरे तो दिद्य पाठ का बाहर पड़ गया, मगर तेरा बल्ला जियो, ये तो चिचड़ था चिचड़। ओहो सर, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन सर हमारे पास चिचड़ तोड़ने की सुविधा नहीं है, हमारी दवाई केवल मूसे या कॉकरोच पर ही काम करती है। ओहो इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। वैसे ये मुझे मारने की दवाई का कितना चार्ज लेते हो आप? सर सिर्फ 5,000। 5,000? इतना कॉस्टली? तो सर आप अपने मूसों को भी तो देखिए, कितने टैलेंटेड मूसे हैं आपके। और सर ऐसे चकनाचूर मूसों के लिए इतना तो लगेगा ही। ईशा मैडम जी, मत अपने मूसा ने अपने दोरे बैठा कर चकने के साथ साथ पैग लगवा लिया करूंगा, आप अपनी दवाई अपने पास ही रखो। ईशी दवाई अपनी बहन का गई भाई। सर नमस्कार, मैं जूली। उत्तरी करे, क्यों किसा सपना? पर सपना तो कौन है यू? हेलो मेरे दर फोन, वो बिछोरी का। हेलो अंजी मैडम, अंजी अंजी। सर मैं जूली मुझसे मारो मित्र प्यारो कंपनी से बोल रही हूँ। मैडम आप मुझसे मारो ना मारो, लेकिन आपकी इस मीठी बोली ने मैं जरूर मार दिया। क्या? कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं, वो मैं ये कह रहा था आप तो बड़े दिलेर हो, मुझसे मारने की सुपारी लेते हो आप। हाँ जी बस ऐसा ही समझ लीजिए आप। क्या आपके घर में भी मूसे हैं? 32 का ओलिया मैडम जी, ना तो कोई गर्लफ्रेंड बनती ना ब्याह होता, नरे मूसे मूसे अंडा मैडम जी। ठीक है सर, आप हमें अपना एड्रेस बताइए, हम अभी आते हैं। के करण मैडम जी, क्या करण? मूसे मारण, सुन सुनिया से मुंह के। मूसे तो मैडम जी मैं आप तो अपनी सारी कॉलोनी के मरवा लूंगा, पर आप ना मेरा ब्याह करवा दो। अरे ब्याह ना करवाना बस की, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनवा दो मैडम जी। नहीं सर, हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, इसके लिए आप अपने घर वालों से बात करें। मिलती तो कौन है जी कोई छोरी, छोरी का बब्बू देखते न्यू कहते है अगम ना अपनी छोरी किसी आदमी का ब्याह नहीं है, जानवर का थोड़ी। बापा बताओ मैडम, मैं कोई शक्ल तो जानवर लागू हूँ? सर आवाज से तो थोड़ा बहुत आप लग रहे हो, लेकिन क्या पता शक्ल से ना लगते हो। के करेंगे बेचारे मारे आक, मुझे मारी आक, ये बकवास है। अमर रुका पट जाएगा, अग मुझे तो देखे पर ताई अर के घर के ते मुझे तो बला बला। अरे की बात की सकती सा बवार, पहले जाकर उनके घर में ओड़ मोटे मोटे मुझे छोड़े आऊंगे और अगले दिन उनके घर आ जाकर दवाई लेकर कल कल बताऊंगा। ए लेकिन लुकिन छोड़े ने तू, तुम्हारे पोते ने लवा अपनी कंपनी में और मैं करूशु। हेलो जी, हेलो जी, ये तो बात हेलो। मन्ननु सोची मैडम जी ये बैंक काले है ना, एक नंबर के बैरिकेट रखे हैं। चलो और कुछ दिन मैडम जी न्यू एरा है ना, तो थोड़े देर में पैग भी लगाते पाओगे बट इट्स सो देख। अच्छा मैडम जी आप आओ तो गे ये ना मुश्या की मार मुश्या। हम जी बहुत दुखी हो रहे हैं जी, चढ़ाता है गेर मत, एक चुचड़ चुचड़ एक चिचड़ तेरी गेर मत, एक चिचड़ गेर मत तेरी आंटी की सलवार का, आंटी की सलवार, आंटी की सलवार।